सुल्तानपुर में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ गुरुवार को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कलेक्ट्रेट में डीएम रवीश कुमार ने ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन में डीएमएसपी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रध्वज फहराकर जवानों से सलामी ली। वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने जिला पंचायत भवन कार्यालय पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट प्रांगण में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने ध्वजारोहण के साथ कर्मचारियों और अधिकारियों को कर्तव्य एवं सुंदर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की शपथ दिलाई। इस क्रम में एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और विकास भवन में सीडीओ अंकुर कौशिक ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में भ्रष्टाचार मुक्त गीत के साथ सभी ने राष्ट्र नव निर्माण का संकल्प लिया। उधर पुलिस लाइन में डीएम रवीश गुप्ता ने एसपी सोमेन वर्मा के साथ ध्वजारोहण किया। भ्रमण जिप्सी से जवानों ने सलामी ली। तीन राउंड में फोर्स ने फायरिंग की। रंग बिरंगे परिधानों के साथ महिला टोली डायल 100, डॉग स्क्वाड, अग्निशमन, ब्रश टोली ने भी सलामी दी। डीएम ने स्वतंत्रता के प्रतीक में कबूतर छोड़े, गुब्बारा उड़ाया और साथ ही जवानों को शपथ दिलाई गई। गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शकों का जमावड़ा रहा। जिले के सभी विद्यालयों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला पंचायत कार्यालय में तिरंगा फहराया गया और गणतंत्र दिवस पर एक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अपर मुख्य अधिकारी ने जिला पंचायत कार्यालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आजादी के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आजादी के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से देश हित में काम करने की अपील की। वहीं दिनेश सिंह, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तत्पश्चात जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा राकेश कुमार वरिष्ठ लिपिक और दिनेश सिंह, प्रशासनिक अधिकारी को उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पैरवी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य और श्रेष्ठ प्रदर्शन पर सम्मान स्वरूप ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।